हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ लाइव फैशन। में आज मैं आपको सिखाऊंगी चार कली के पेटीकोट की कटिंग। देखिए, ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। हम इस कपड़े में से पेटीकोट की कटिंग करेंगे। देखिए, इस कपड़े को पहले खोल लेते हैं। मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम पेटीकोट की पहले लंबाई है इसकी 36 इंच, 2 इंच ऊपर के लिए निकाल देंगे चीन के लिए। मैंने इसकी लंबाई का निशान लगा लिया। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। पहले हमें क्या करना है, पहले नीचे वाली कली का निशान लगाएंगे। इसकी नीचे से कली है 20 इंच की और इधर से ऊपर से है 13.5 इंच की, ऐसे। अब यहां से भी 20 इंच लेंगे। देखिए, यहां से भी 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहां पर भी 13.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो वो वाला निशान लगा हुआ है वहां पे, इस वाले निशान को इससे मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। इस वाले निशान को सीधा कर लेंगे। अब ये जो 13.5 इंच का निशान है, इसको हम उस वाले निशान से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, इस पर भी निशान लगा लेंगे। ऐसे ये आड़ा निशान आएगा। देखिए, ये यहां से ऊपर की कली हो गई, ये यहां से हो गई ऊपर की कली, ये नीचे की हो गई, ये भी नीचे की हो गई। देखिए, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये 2 कली कट चुकी हैं। अब इसको हम एक साइड रख लेंगे, 2 और कली काट लेंगे। ये जो निशान लगे हुए हैं, कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर की चेन की कटिंग करेंगे। देखिए, इसकी 2 इंच की चेन तैयार है। ये डबल करके 4 इंच हुई, 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई के लिए। 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। देखिए, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस कपड़े में से हम इसकी झल्लर निकालेंगे।
डेढ़ इंच की इसकी झलर तैयार है, तो डबल वाली झलर लगाऊंगी मैं इसमें। उसके लिए मैंने डेढ़ इंच की तैयार है तो 3 इंच लिया है और आधा इंच सिलाई के लिए लिया है। ऐसे 3.5-3 इंच पर मार्क कर लेंगे पहले। इसमें से मुझे 5 पट्टी निकालनी है झलर के लिए। देखिए अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। पहले निशान लगा लेंगे ऐसे पूरी पे। ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने इस पे सारे पे निशान लगा ली हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 पट्टियाँ निकाल ली हैं। ये नहीं 5 पट्टियाँ, 4 कली वाले पेटीकोट में 5 या 6 पट्टियाँ निकलती हैं जिससे हम झल्लर तैयार करते हैं। देखिए अब इसको इस तरह से करके सिलाई लगेगी इस पर, तब ये तैयार होगी। देखिए फ्रेंड्स ये इसकी कलियाँ हो गई, ये इसकी नीचे की पट्टियाँ होंगी झल्लर की भी, और ये इसकी चेन। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।